आप देख रहे हैं TNB। पूरी दुनिया ने कोरोना के कारण अपने कई लोगों को खोया है। कई देशों में कोरोना की रफ्तार पर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है, लेकिन महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। हाल ही में फ्रांस से कोरोना वायरस की पांचवी लहर की खबरें सामने आ रही हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में कहा कि देश में कोरोना महामारी की पांचवी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे पड़ोसी देश में भी पांचवी लहर आ चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना की पांचवी लहर को सबसे ज्यादा खतरनाक भी बताया है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरेन ने फ्रांस के स्थानीय मीडिया से कहा कि हमें देश में कोरोना महामारी के पांचवी लहर की शुरुआत जैसी स्थिति दिख रही है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरेन के मुताबिक पांचवी लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं ओलिवियर वेरेन ने कहा कि पांचवी लहर से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहे। हमारे पड़ोसी देशों में ये लहर पहले ही आ चुकी है। पड़ोसी देशों का डेटा को देखकर लग रहा है कि ये पिछली लहरों की तुलना में अधिक गंभीर हो सकती है। उसके साथ ही बता दें कि कोरोना के मामले अक्टूबर से लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले अक्टूबर के बीच से लगातार बढ़ रहे हैं। ओलिवियर वेरेन के मुताबिक ज्यादा वैक्सीनेशन, मास्क और स्वच्छता उपायों के साथ ही देश पांचवी लहर का सामना मजबूती के साथ कर सकता है। ओलिवियर ने उम्मीद जताई है कि ऐसा भी संभव है कि हम इस महामारी को पूरी तरह से हरा दें। बता दें कि फ्रांस में अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 73.86 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए जा चुके हैं। कोरोना की वजह से फ्रांस में 1.19 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि कोरोना की दोहरी मार ज्यादा खतरनाक हो सकती है। गौरतलब है कि लगभग हर देश में कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक साबित हुई है, चाहे वो भारत हो या अन्य कोई और देश हो। इस साल की शुरुआत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सबसे ज्यादा यूरोपियन देश में प्रभावित हुए थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन में कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच आई कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों का जीवन भी छीन लिया था। साथ ही कोरोना को हराने में आम जनता को भी अपना सहयोग देना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लगातार स्वच्छता बनाए रखनी होगी, मास्क पहनना होगा और दूरी बना के रखनी होगी। जब तक कुछ जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले और दूरी जरूर बनाए रखें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।